कौन जानता होगा जनता के दुख को एसी कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ ना पेशाब करें। 90% आदमी वहीं पे पेशाब करता है, वहीं पे थूकता है और दीवारों को गंदी करता है। आपका भी नाम था जी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ कि मयंक भटनागर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके साथ हैं। और अपनी भी गलती स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम्स नहीं चलाए, इसलिए मैं काबिल नहीं हूँ। मुफ्त की रेवड़ियाँ हमेशा एक गरीब आदमी के पैसे को बर्बाद करती और देश को कंगाल करती। वो आधे आधे नाले उन्होंने स्कूलों के सामने खोद दिए, बच्चे तमाम नालों में गिर रहे हैं, सीवर लाइंस बिल्कुल ठीक नहीं है, बरसात होते ही पोल खुल जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिर से हम वही सवाल आपके लिए लेकर आए हैं कि हमारा नेता कैसा हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक शिक्षाविद, शहर के जाने माने शिक्षाविद, डॉक्टर मयंक भटनागर जी। मयंक भटनागर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। भटनागर साहब, हम ये हमने कई एपिसोड किए इस हमारा नेता कैसा होके, तो हमने फिरोजाबाद में, चूंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए हमारा जो शहर का मेयर है, क्योंकि प्रथम नागरिक होता है वो, तो प्रथम नागरिक होने के साथ साथ उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। जैसे घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है घर को चलाना, तो शहर के मुखिया की जिम्मेदारी शहर को चलाना होगी। तो कैसा होना चाहिए हमारा प्रथम नागरिक, उसके बारे में सबसे पहला सवाल आपसे। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेयर की सीट जनरल होने के बाद आवेदनों की जो बाढ़ आई है जी, जिस बाढ़ के अंदर कई लोग बहते जा रहे हैं, 160+ तो बीजेपी में है। मैं आपको बताऊं, 10-12 कैंडिडेट जो हैं वो समाजवादी पार्टी में है, 10-12 कैंडिडेट जो हैं वो बसपा में हैं, 5-6 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी में भी हैं, 5-6 कैंडिडेट कांग्रेस में भी हैं। तो इतने सारे आवेदन हैं, आप देखेंगे तो कुल मिला के 200 से ऊपर चले जाएंगे। तो इतने सारे आवेदन आने का मतलब क्या है? जनरल सीट होने का एक एक्साइटमेंट है जी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कई वर्षों बाद फिरोजाबाद को मिली है। और जनरल सीट के बाद में हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं केपेबल हूं, और सोचना गलत भी नहीं है। लेकिन अपना स्वार्थ और पब्लिक का हित, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम जनता के बारे में सोचते हैं, जिसके दिमाग में जनता, वो खुद एक जनता से हो, जैसे हम लोग हैं, एक एलाइट क्लास से हैं, तो एलाइट क्लास जैसे जो एक अच्छे सामर्थ्य वाले जो लोग हैं, वो जनता का भला सोचना उनका उतना ज्यादा विजन नहीं होगा जनता के प्रति। जनता के बीच का आदमी हो, एक कॉमन लेमैन हो, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करते। मशहूर लोगों को, जो समाज सेवी हो और जो पैसे वाले हो, टारगेट एंड फोकस उनके ऊपर रहता है। मुझे ध्यान आता है, एक व्यक्ति समाज सेवा में लगा रहता था, नंगे पैर रहता था वो, और वो उनका नाम मैं भूल रहा हूं, नंगे पैर उन्होंने समाज की बहुत सेवा करी। जहां भी होता था वो पहुंच जाते थे, और उनके पास धन नहीं था लेकिन तन और मन था। तो उस टाइप का व्यक्ति चाहिए हमको फिरोजाबाद की सेवा के लिए, क्योंकि टारगेट और फोकस और अपने आप को काबिल सिर्फ वही लोग समझ रहे हैं कि जो बहुत सामर्थ्यवान है, जिनके पास बहुत पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसको पैसे की ललक और भूख भी तो होगी जी। एक कॉमन आदमी को क्यों नहीं पकड़ा जाता? मेरा कहना यह है कि क्यों ना हम एक कॉमन व्यक्ति की तरफ जाएं, एक कॉमन व्यक्ति को पकड़ें, और जो जनता के बीच का आदमी हो। कमल कीचड़ में ही खिलता है, और कमल बीजेपी का साइन भी है। मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि जनता के बीच के व्यक्ति को अगर हम लेके आते हैं, तो उसे वो सारी जरूरतें जो जनता को चाहिए वो पता होंगी, और पता होने के साथ साथ उनका निवारण भी वो कर सकेगा। अपने घरों में, शानदार कमरों में, एसी के कमरों में बैठ के जनता के दुख को कौन जानता होगा? आप बताइए, कौन जानता होगा जनता के दुख को एसी कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके? लेकिन जो सफर कर रहा है, जिसके पास आज कमी है, जो मूलभूत सुविधाएं जिसने खुद ना झेली हो, जिसको खुद ना मिल रही हो मूलभूत सुविधाएं, अगर वो व्यक्ति बनता, वो व्यक्ति को कोई भी पार्टी लेके आती है, तो एक तो उस पार्टी की भी इमेज
बहुत ऊपर हो जाएगी कि जनता के बीच के एक कॉमन मैन को इन्होंने टिकट दिया जी। लेकिन टोटल जो भी मैं आपको, आप भी जानते होंगे, जितने लोगों ने आवेदन किया वो सब समर्थवान लोग होंगे, वो सब समाज से भी ज्यादातर लोग होंगे और ये समझते होंगे कि भाई मैं क्यों नहीं, मैं भी सेवा कर सकता हूं। सेवा, समाज सेवा सिर्फ कुछ चीजें बांटने से नहीं होती कि आपने गए और आपने कुछ कंबल बांट दिए, कुछ लोगों को साइकिलें बांट दी, कुछ लोगों को, भाई आपको उन समस्याओं को जानना भी तो जरूरी है, उसके लिए आपका सफर होना जरूरी है। जब तक आप सफर नहीं करेंगे तब तक आपको उन सुविधाओं के, उन चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा जो एक मेयर को देनी चाहिए। मेरे मायने में तो एक कॉमन आदमी बेस्ट रहेगा। फिर मैं ये भी एडवोकेसी करूंगा कि वो एजुकेटेड भी हो थोड़ा बहुत, वो एजुकेशन आपका एक डायमेंशन ऊपर करती है। जब आप विकास करने जाते हैं तो फ्रीबीज, जो इंग्लिश में कहते हैं फ्रीबीज, कि बांटना फ्री में, मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ियां हमेशा एक गरीब आदमी के पैसे को बर्बाद करती है और देश को कंगाल करती है। तो इतने धनाढ्य लोग, जितने धनाढ्य लोग हैं, वो तो अगर बन भी जाएंगे तो अगली बार दोबारा बनने के चक्कर में मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगे, लेकिन एक कॉमन आदमी डेफिनेटली वो उन चीजों के लिए ही प्रयास करेगा जो उसने भुगती होंगी। तो मेरा कहना यह है कि प्रायोरिटी एक कॉमन आदमी को देनी चाहिए। ठीक। इसके अलावा जैसा कि बहुत सारे आवेदन हैं, उन आवेदकों में कई तो युवा हैं जी, कई ऐसे लोग हैं जो माने प्रौण भी नहीं है लेकिन 50-60 से करीब करीब एज उनकी है, तो एक उनको एक्सपीरियंस भी रहता है, एक जीवन का भी एक्सपीरियंस होता है, समाज का भी एक्सपीरियंस होता है। तो आपके हिसाब से किसको टिकट मिलना चाहिए, एक किसी युवा को जो युवा सोच रखता हो, या फिर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को जो कि 50-60 या उससे ऊपर की उम्र रखता है? देखिए, युवा सोच और एक मैच्योर्ड थिंकिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब तक आपकी सोच जो है वो ऊपर नहीं होगी तो ना युवा ना कोई प्रौढ़ वो कुछ नहीं कर पाएगा। व्यक्ति की उम्र उसका व्यक्तित्व डिसाइड नहीं करती। एक छोटा सा बच्चा भी कुछ अलग हटके अपना हुनर दिखा के अपना व्यक्तित्व बना लेता है, और एक व्यक्ति 80 साल का हो जाता है वो अपना व्यक्तित्व नहीं बना पाता क्योंकि वो कुछ अलग हटके सोचता नहीं। तो एक सोच बहुत बड़ी चीज है कि अगर अपनी हमारी एक मैच्योर थिंकिंग हो, ऐसा नहीं है कि युवा की मैच्योर थिंकिंग नहीं होती, ये तो एक डायमेंशंस, संस्कार और एजुकेशन का एक प्रॉपर मिक्स अगर जब जाता है तो व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति भी बहुत मैच्योर हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि वो युवा भी हो प्लस उसके अंदर एक मैच्योर थिंकिंग भी हो, तो एक डायमेंशन उसका ऐसा हो कि मुझे विकास करना है, विकास जनता का करना। विकास, आप जानते हैं कि विकास किसका करना है जी, विकास जनता का करना है, जनता की मूलभूत परेशानियों को जानने के बाद। अच्छा, कई सारे जो आवेदक हैं, मैं अभी उस पर ही बात कर रहा हूं, जो कई सारे आवेदक हैं वो ऐसे हैं जो आईटी फील्ड से भी नॉलेज रखते हैं जी, कई सारे लोग शिक्षाविद हैं, कई व्यवसायी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर विकास कर सकता है? मैंने आपको बताया, आपको अभी उसी का उत्तर दिया जिसमें ये संपूर्ण तथ्य छुपे हुए हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित नहीं होगा तो उसका एक लेवल ऑफ डायमेंशन जो है वो ऊपर नहीं होगा, उसकी सोच वही छोटी होगी। व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा, ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ाओ, एक अच्छा ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड सही होना चाहिए, जनता के बीच का आदमी होना चाहिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो कि उसने सेवा करी हो, सिर्फ सेवा पे फोकस किया हो, धन पे नहीं, धन की उगाही ना करी, और उसके बाद जनता की मूलभूत समस्याओं से वाकिफ। अच्छा, कुछ शिक्षाविद भी जो हैं वो आवेदक हैं, आपका भी नाम था जी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ कि मयंक भटनागर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके साथ हैं जी, तो आप
आपने क्यों विड्रॉल किया? देखिए, बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मैंने कभी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने सोचा। क्या आपको लगता था कि मयंक भटनागर जो है वो समाज की सेवा, मतलब मेयर बनकर समाज की सेवा नहीं कर पाए? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं चाहे जितनी भी अच्छी सेवा करता, अगर मुझे मौका दिया जाता, और क्योंकि ज्यादातर लोगों को मालूम है कि मैं खाने वालों में से नहीं, देने वालों में से, तो चाहे मैं कितनी भी अच्छी सेवा करता, आरोप फिर भी मैं झेलता। आज मुझे सर कह के लोग कहते हैं, एक शिक्षक के रूप में मुझे देखते हैं। कल को हो सकता है कि मैं जब गुजरता तो मेरे ऊपर कीचड़ अंडे भी फेंकते कि इसने विकास नहीं किया, महाघूसखोर आदमी है। कौन सी चीज बेटर है? अभी मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, मेरी वाइफ को और मुझे भी। लगातार शिक्षा क्षेत्र में अवार्ड्स मिलते हैं, तो हमारी तो भूख उस चीज की है कि हम अपने बच्चों को वो स्थान दे सकें जो समाज के अंदर एक ऊंचा स्थान हो। सिर्फ उस चीज की भूख है कि मेरे बच्चे आईएएस आईपीएस आईआईटीएंस डॉक्टर्स ये बन जाएं। तो हम अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उस बुढ़ापे में हम अपना इलाज अपने स्टूडेंट से कराएं तो एक संतुष्टि मिले। तो ये हमारी भूख है, हमारी भूख शिक्षा की है जी, और लोगों की भूख ये पद पाने की है। पद आप जरूर पाइए, लेकिन कम से कम ईमानदारी अपने अंदर रखिए। वो पद पाने के बाद में आप उसका, जब भी आप मेयर बन जाए तो आप डेफिनेटली उन लोगों की तरफ देखिए जो वाकई तरस रहे हैं विकास को। विकास कार्य कहां कहां नहीं हुए उनका अभी से ये लोग अगर सर्वे करें और उन कार्यों को प्रोजेक्ट करके अपने वोट मांगे, डेफिनेटली जनता आपके साथ खड़ी। चलिए, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं और अगला महापौर उनकी पूर्ति करे? जी, मैं जो देखता हूं वो रोड्स कंस्ट्रक्शंस बहुत, अभी तक बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बता सकता हूं कि स्कूल्स तक के सामने नाले जो खोद दिए गए हैं, वो आधे आधे नाले उन्होंने स्कूलों के सामने खोद दिए, बच्चे तमाम नालों में गिर रहे हैं। नाले बनाया आपने, एक उनको पक्का करने का आपने जो एक प्रोजेक्ट लेके आए, वो बहुत अच्छी चीज है। सीवर लाइंस बिल्कुल ठीक नहीं है, बरसात होते ही पोल खुल जाती है। आज तक सीवर लाइंस जो चोक्ड कहा जाता, पूरे साल भर सीवर के नाम पे जाने कितना लीवर तक खराब हो जाए सीवर लाइन को ठीक करते में, लेकिन वो बरसात आते ही सीवर वहीं के वहीं रहता है और आप देखते हैं कि तमाम पानी भर के घरों में पानी जाता है, तमाम मशीनें लगाई जाती हैं और पानी निकाला जाता है, नंबर वन। सेकंड चीज जो है ये सैनिटेशन एंड जो हाइजीन है, सफाई व्यवस्था, मैं फिर भी कहूंगा कि लागू की गई है। मेयर नूतन राठौर ने ये जो सफाई व्यवस्था करवाई है वो एक अच्छा कदम उनका के बराबर, वो शाम को सफाई करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये अभियान सफाई पे तो लगाया गया पूरा, लेकिन लोगों को प्रेरित करने के लिए नहीं कि थूके नहीं, गुटके के पाउच नालों में नहीं डालें, इसके लिए प्रेरित करने के प्रोग्राम्स नहीं रखे गए। ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स ने इसको, मैं भी ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं और अपनी ही गलती स्वीकार करता हूं कि मैंने ये प्रोग्राम्स नहीं चला, इसलिए मैं काबिल नहीं हूं इसके। अरे, मुझे मौका दिया नगर निगम का, मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा, उसके बाद भी मैंने ऐसे प्रोग्राम से प्रेरित नहीं कर पाया लोगों को कि वो अपने, जैसे यहां नशेबाजी पहले तो कम करें। फिरोजाबाद के अंदर एक, जैसे हमारे यहाँ इंटरवेल होता है, वैसे ही शाम को जो बिजनेस से लोग आते हैं उनका एक अलग इंटरवेल होता है और फिर उसके बाद उस इंटरवेल में उनका धूम्रपान शुरू हो जाता। तो पहली बात तो धूम्रपान शराब को कम करें, मसाला पाउच के गुटके जो हैं उनको नालों में जो डालते हैं जिसकी वजह से सीवर चोक होता है, वो बिल्कुल उस पर ध्यान देना चाहिए कि बरसात जब भी हो तो एक प्रॉपर उसका ड्रेनेज हो जो जाके नदियों में मिले, और वहां पे एक सिस्टम बनाए उसका, एक करबद्ध सिस्टम बनाए कि हाँ भाई सीवर लाइन यहां चोक हो रही है, इस वजह से चोक हो रही है, जिस वजह से चोक हो रही है उसका एक प्रोग्राम लेके आए कि भाई आप ये ना करें अगर पब्लिक खराब करती है। दूसरा,
ये हमेशा लिखा जाता है, जहां भी लिखा जाता है कि यहां यहां ना थूके, यहां ना पेशाब करें, 90% आदमी वहीं पे पेशाब करता है, वहीं पे थूकता है और दीवारों को गंदी करता है। तो थूकने की प्रवृत्ति को कम किया जाए, प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जाए, कुछ ऐसे अवार्ड्स उनको दिए जाए जो पान मसाला नहीं खाते, जिससे लोग प्रेरित हो, अरे भाई उसको अवार्ड मिला, या अवार्ड की वजह से भी काफी कुछ आदमी सुधर जाए। तो ये प्रोग्राम्स बिल्कुल नहीं चल पाए और इनका प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ। तो जो मेयर आए वो इन बिंदुओं पे भी जरूर ध्यान दें कि जो मूलभूत कारण है हमारे फरीदाबाद को नीचे ले जाने के, जो विकास नहीं हो रहा, जिन वजह से उन पॉइंट्स को टच करते हुए, उन पॉइंट्स के प्रति कटिबद्ध होते हुए आप अगर अपने वोट मांगे और मेयर बनने के बाद उनका आपने सॉल्यूशन कर दिया, मैं सिर्फ कह रहा हूं अगर सीवर लाइन प्रॉपर हो गई तो आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि मेयर के लिए होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सीवर लाइन ठीक हो गई तो। और लगातार प्रेरित करके ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू बकायदा गुटखा पान मसाले इन सब को नालों में न डाल के प्रॉपर डस्टबिन तीन तरीके के कहा गया, खूब बड़ा अभियान चला, खूब पैसे खर्च हुए, लेकिन क्या कूड़ा उनमें फेंका जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ दिनों चलता है बस, मदर्स डे पे मदर्स डे सेलिब्रेट होता है, फादर्स डे पे फादर्स डे सेलिब्रेट होता है, और जैसे ही कुछ प्रोग्राम आता है वो चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जो एक कंटिन्यूस इवेल्युएटिव प्रोग्राम चला सके उस मेयर को हमें लाना चाहिए। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की अवार्ड की, अवार्ड और रिवार्ड दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर कोई गलत काम करता है तो उस पर पेनल्टी तो दे देते हैं, लेकिन अगर जो वो सही करता है या अच्छा करने की कोशिश करता है उसको रिवार्ड या अवार्ड नहीं देते हैं। प्रोत्साहन देखिए मैं आपको बता दूं, वो मैं पढ़ाता भी हूं कि एक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो बोल सकता है, कुछ ऐसी नीड्स होती हैं इनटेंजिबल नीड्स कहते हैं, जो आपके अंदर छुपी होती हैं, जो वो कह नहीं सकता लेकिन उनको जब टच किया जाता है तो वो आदमी अंदर तक द्रवित हो जाता है। नीड फॉर लव, नीड फॉर रिकॉग्निशन, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। आप किसी को प्यार दीजिए, किसी की तारीफ करना शुरू करिए, तो जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता था, किसी एक व्यक्ति का आर्टिफिशियल स्टेटस जैसे हम करते हैं क्लास में, जो सबसे बेवकूफ बच्चा हो क्लास का और सबसे ज्यादा हमें लगे कि वो कुछ नहीं जानता, उसको कहते हैं बेटा मुझे तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी, बहुत एक आग दिख रही है, तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, ये लड़का तो बहुत अच्छा है पूरी क्लास के सामने। तो अपने आर्टिफिशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो इतनी जंप लगाता है, वो अल्टीमेटली उसको छू लेता है। हम ऐसे रिजल्ट देते हैं, तो ऐसे ही रिजल्ट ओरिएंटेड मेयर भी हो, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। चलिए अंतिम छोर की ओर चलते हैं और अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर आप कोई नाम शॉर्टलिस्ट करें, कुछ नाम शॉर्टलिस्ट करें, तो वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए इन मैटर्स में मैं शॉर्टलिस्टिंग ऑफ नेम्स को अगर हम करेंगे तो ये एक उचित चीज नहीं होगी। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि मेरे जो मैंने आपको जो बिंदु बताए हैं, ये बिंदु ही नाम है। मैं आपको बता दूं क्योंकि काम ही पहचान, इसलिए मैं कहूंगा कि ये बिंदु ही नाम। जो इन बिंदुओं को छुएगा, हाँ जो इन बिंदुओं को छुएगा उसको वोट मिलेंगे, क्योंकि मूलभूत समस्याएं फिरोजाबाद की अगर एक भी जो सालों से चली आ रही है वो अगर सॉल्व हो गई, वही एक सक्सेसफुल मेयर होगा और वो दोबारा रिपीट होता रहेगा क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशनिस्ट गलत है, समाजसेवी गलत है, बेचारों ने पूरी जिंदगी लगा दी होगी समाज सेवा में, और मैं अगर उनको ये कहूं कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल काबिल नहीं है, तो ये भी गलत होगा। उनमें से अगर कोई व्यक्ति एक अच्छी थिंकिंग का, जो जनता की समस्याएं जानता हो और कंटिन्यूसली उनको जानने के बाद में उन बिंदुओं के ऊपर अपना वोट मांगे, तो उसको हमें जरूर चुनना चाहिए। जी। तो देखा आपने कि डॉक्टर मयंक भटनागर ने, जैसा कि वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि उनके नजरिए से फिरोजाबाद का महापौर कैसा होना चाहिए, हमारा नेता कैसा होना चाहिए। तो आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग इस जानकारी से अवेयर हो सकें। कुछ चीज़ें सर ने बहुत अच्छी कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो लोग स्पिट करते हैं या गंदगी फैलाते हैं
उनको पेनल्टी के बजाय उनको अवार्ड और रिवॉर्ड मिले ऐसे लोगों को जो ये काम नहीं करते हैं, तो इससे समाज का काफी भला हो सकता है। उन्होंने उन बिंदुओं पर चर्चा की कि किस किस पॉइंट्स पर हमें मेयर का चुनाव करना चाहिए और कौन हमारे लिए एक अच्छा नेता हो सकता है सब। और आखिर में सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।